जे आपां कास्ट खत्म करते हैं तो रेजरवेशन खत्म करने की लोड़ नहीं पैनी। इस करके पहला कास्ट से गल करांगे। एक पिछले दिन ही हंदवाड़ा दे विच कश्मीर दे विच जिहड़ा एक स्कूल की स्टूडेंट नूं वाशरूम जाते हुए एक जिहड़ा उत्थे दा फौज का एक बंदा सी उहने रोकिया और उस तों बाद उहदे नाल बदतमीजी कीती। बदतमीजी करन तों बाद उह घटना जदों वधी तां कुछ लोग इकट्ठे होए, लोगों के उत्ते जिहड़ी है गोली चलाई गई तां उस टाइम चार जिहड़े लोग उत्थे मरे। उस तों बाद प्रोटेस्ट जारी रहा, दो लोग होर मरे ने। जदों इस लड़की की घटना सुनी तो अज तो 25 साल पहला भारतीय फौज की चौथी राज राइफल ने अपने खनान पोस्टपुरा के अंदर एक रात के लगभग 150 तो वध औरतों के जिहड़े रेप है किए सी। तो एकदम है जिहड़ा वो एक बच्ची के नाल घटना होने तो वह इंसीडेंट है जिहड़ा इमीजिएट जिहड़ा याद आउंदा गा। तो यह एक दिन नहीं है, यह लगातार रोज कश्मीरी लोगों के उत्ते हुंदा है। पिछे जी हैदर मूवी आई सी उहदा एक इंसीडेंट मैं थोड़े नाल साझा करते हुए गल खत्म करूंगा कि एक बंदा जिहड़ा अपने घर के अंदर वड़ रहा है तो उन्हूं आर्मी वाला जिहड़ा उत्थे वो ऐ करके खड़ जाता, वह कहता अंदर क्यों नहीं जाता, कहता इन्हां नूं तलाशी देने की इन्नी आदत पै चुकी है कि हर मोड़ से तलाशी होंदी है, हर मोड़ से इन्हां नाल हथापाई करती है आर्मी। इस करके ये जी इस किस्म की उन्होंने हर रोज हो रहा है। तो यह घटनावां रोज़ वापरदियां ने, रोज़ फेक एनकाउंटर होंगे ने। तो दोस्तों जिहड़ा डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन है ये सीधे तौर पर जिहड़ी कश्मीरी मूवमेंट है जिहड़ी भारतीय राज दे जुल्मां तों आजादी की उन्हां दी मंग है उहदे पक्ष पूरदी है और उहदे नाल खड़दी है। तो असीं जिहड़ा ये घटनाक्रम होया उहदा जज के विरोध करते हैं, तो रेजोल्यूशन लैणा चाहुंदे आ तुसीं हथ खड़े करके भारतीय स्टेट के जिहड़े ये जुल्म ने कश्मीर के लोगों के उत्ते उन्हूं सहमति दिओ। इहदे लई हथ खड़े करके एक बार सहमति जरूर सारा मंगांगे। तो इहदे नाल ही जिहड़ी डिस्कशन है वो आप कंटिन्यू करते हैं। कास्ट किवें खत्म होनी चाहिए है, कास्ट किस किस्म की है, ये उत्ते कोई भी सवाल होगा उन्हें तुसीं इनिशिएट कर सकते हो। धन्यवाद।